राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल रामकथा के पाठों पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सोने का हिरण भाग 1। श्रृंखला के पिछले भागों में आपने सुना कि लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा के नाक और कान काट लिए। शूर्पणखा की सहायता करने के लिए उसके सौतेले भाई खर और दूषण भी आए, उन्हें भी लक्ष्मण ने मार डाला। शूर्पणखा ने रावण से सहायता मांगी तो रावण ने एक योजना बनाई और राक्षस मारीच को सोने के हिरण के रूप में वन में भेज दिया। सीता ने सोने का अद्भुत हिरण देखा तो उसे पाने के लिए मचल उठी। राम उस हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। लक्ष्मण सीता की रक्षा करने के लिए कुटी के बाहर खड़े रहे। अब सुनिए इससे आगे की कहानी। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण कुलाचे भरने लगा। राम को बहुत छकाया। झाड़ियों में लुकता छिपता भागता वो राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वो भागकर और दूर चला जाता। हिरण चालाक था, वो इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि पहुंच से बाहर लगे। राम के सारे प्रयास विफल हुए, वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। मारीच ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था, आवाज भी बदल ली थी। अपनी आवाज राम जैसी बना ली थी। धरती पर पड़े हुए वो जोर से चिल्लाया, हां लक्ष्मण, हां सीते। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो, वो सहायता के लिए पुकार रहे हों। बाण का प्रहार गहरा था। मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया। वो छटपटाता रहा। जल्दी ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था। वो प्रसन्न था, उसकी चाल सफल हो गई थी। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। उसे राक्षस अकंपन की बात याद आई। सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे, वो निशक्त हो जाएंगे। वो अगले चरण की तैयारी में जुट गया। मारीच की पुकार राम ने सुनी।
वो पास ही थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि पुकार की मंशा क्या है। मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई। हिरण जानबूझकर भागता रहा उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए। वो षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी कुटिया पहुंच सके। वो मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए। राम की तरह उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया, चौकसी बढ़ा दी। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था, उनके लौटने तक सीता की रक्षा। लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना ही नहीं थी। सीता वो आवाज सुनकर विचलित हो गई, घबरा गई, दौड़कर कुटिया के द्वार पर आईं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज आई है उसी ओर तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं। उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कातर आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण, जल्दी। हे माते, राम संकट में नहीं है, हो ही नहीं सकते। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज सुनी वो बनावटी है, मायावी राक्षसों की चाल है, मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए। आप निश्चिंत रहें, भाई राम जल्दी ही आते होंगे। सीता क्रोध से उबल पड़ी। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया। राम की आवाज सुनकर भी वे यहीं खड़े रहे, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया। लक्ष्मण की चाल लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते, उनके हितैषी नहीं हैं, चाहते हैं कि राम न रहें, मारे जाएं, ताकि राजपाट उन दोनों का हो जाए, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहां तक कह दिया कि कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं हैं। लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा, उनका हृदय छलनी हो गया, पर
उन्होंने पलट कर उत्तर नहीं दिया, संयम बनाए रखा, सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया। वे सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे। केवल इतना बोले, हे देवी, ये राक्षसों का छल है। घर दूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं, किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में न आए, वे कुछ भी कर सकते हैं, मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। सीता का क्रोध और बढ़ गया, क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे। ये भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही न हो। ये डर था कि राम से बिछोह न हो। उन्होंने कहा, राम से बिछड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। प्रणाम माते। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। बाल राम कथा। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मुख्य विषय समन्वयक प्रोफेसर राम जन्म शर्मा, आलेख मधुकर उपाध्याय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार राकेश पंडित, कलाकार मंजू मैनी, राजश्री त्रिवेदी, प्रवीण शर्मा, ध्वन्यांकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।